बना रहे हो? खीर। है खीर? ये तो सारी काजू कतली किसको आई है? किस खुशी में? क्या मूड में? क्या कराने? क्या गुड न्यूज़ दे रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राशि डेडाज व्लॉग। तो मेरी मॉर्निंग हुई आज 4:30 बजे सुबह। तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी और अंधेरा हो रखा था बिल्कुल। और ना अब मैं कुछ दिन से 4:30 बजे उठ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, 4:30 उठना एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब मैं पहले थोड़ा लेट उठती थी तो मुझे लगता था यार लोग आधी नींद में कैसे उठ जाते होंगे 4 बजे। मतलब हम लोग सोते ही 12 बजे, तो 4 बजे तो आधी नींद ही हुई। बट अब बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है और मैं काफ़ी फ्रेश फील करती हूँ। और मेरा इसके पीछे बहुत लोग पूछे थे, दीदी ऐसे उठते क्यों हो, किस लिए? तो मेरा मेन रीज़न है माइग्रेन। गर्मी आते आते ना मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो मुझे एडवाइस है लाइफस्टाइल चेंज करने का, कि अपने योगा करो, एक्सरसाइज करो। तो मैं नहीं चाहती भाई पूरा दिन मैं अपना सिर्फ बिस्तर पे पड़े पड़े गुजारूं, मेरे सर में दर्द रहे, ठीक है। सो इसके लिए अपना देखिए, अपनी सेहत का ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपना रूटीन चेंज करके मैं अपना जो मुझे प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूँ। सो इससे मुझे देखिए आज काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुई, मैंने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करी थी। तो अब योगा और एक्सरसाइज दोनों का मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हो चुके थे 5:20, यहाँ पे मेरे गाने चल रहे थे और इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ गई थी। अब मैंने जाऊँगी किचन में और सबसे पहले लूँगी अपना एक लाइम वाटर। नींबू पानी से पहले थोड़ी सी किचन को क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे अन्नपूर्ण माता को अपना नमस्कार सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप किचन में घुस रहे हैं ना, तो एक गृहिणी का मतलब ये मेन रहता है कि अपने किचन में जाओ तो सबसे पहले अन्नपूर्ण माता को ज़रूर नमस्कार करो। फिर मैंने यहाँ पे किचन क्लीन करी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बिना नहाए किचन में चले जाते हो। यार देखिए, बिना नहाए तो मुझे 100 बार रात को अगर उठना पड़ रहा है, कुछ भी है, पानी पीना पड़ रहा है, तो जाऊँगी ही, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ पानी पीऊँगी अपना और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी, उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर पानी पीऊँगी गर्म नींबू वाला, अभी सिर्फ मैंने नींबू पानी पिया है। और थोड़ी देर 5 या 7 मिनट बैठूँगी इसको, इतने पीऊँगी धीरे धीरे सिप कर करके। और एक नींबू पानी का एक ग्लास जितनी देर में बैठती हूँ ना, तो सुबह मतलब लगा लीजिए उठने से लेके और अब जब तक कान्हा स्कूल नहीं जाएगा, ये एक 5 मिनट होते हैं जो मैं रेस्ट लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ फटाक से, एक बासी झाड़ू निकालनी है घर पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा काम होगा कान्हा का, नाश्ता बनाना, उसको तैयार करना, लंच पैक करना और ख़ुद भी रेडी होकर नहा के अपनी पूजा पाठ करके फिर चाय पीना। तो जो चाय पीने का जो मेरा प्रोसीजर है, पहले वो मेरा शुरू होता था उठती थी और सुबह उठ के नहाते ही सबसे पहले मैं चाय पीती थी। बट अब ये चीज़ें मैंने चेंज करी। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर ली अपनी सनस्क्रीन, क्योंकि गैस पे काम करना है। अभी जो बेशक धूप नहीं है, बाहर नहीं जाती, पर आपको पता ही मैं हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। तो आज कान्हा की डिमांड थी, फ्राइडे का ये ब्लॉग है। फ्राइडे को उसके स्कूल में कुछ स्पेशल जा रहा होता है, वजह से बच्चे बाहर का जंक फूड वगैरह ला सकते हैं, बट वो भी मैं उसका घर पर ही बना के देती हूँ। तो उसने पास्ता की डिमांड करी, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों ना हेल्दी वर्जन में बनाएं, क्योंकि इसको व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है और वो भी मैदा वैदा का बनता है। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ उसके लिए। यहाँ पर मैंने पास्ता बॉयल होने रख दिया। और ये गाइस रेसिपी ना इतनी इजी है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा जैसा कि मैदा वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ पास्ता गरम कर दिया है और कान्हा के हिसाब से बनाई थी, तो मैंने एक ही ग्लास दूध का छेना बनाया है और थोड़े से काजू ले लिए। काजू मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि व्हाइट सॉस है, तो इसको इतने ये बॉयल होगा, दूध भी बॉयल हो जाएगा। साथ में उसमें मैंने आज विनेगर से फाड़ दिया है उसको, और साथ में उसकी बना ली है पनीर छेना। अगर आप घर पर नहीं बनाते तो आप बाहर का भी पनीर ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये मैंने घर का ही बनाया था क्योंकि उसने मुझे लेट नाइट बताया कि मम्मा मुझे ना सुबह वो लेके जाना है पास्ता। मैंने कहा कुछ और ऑप्शन नहीं, उसको सिर्फ पास्ता ही पसंद होता है, तो वो सोचता है हर फ्राइडे वो पास्ता ही ले जाए। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे बनाया और साथ साथ रख दी चाय बनने। तो चाय बन रही है, इतने मैंने इसमें दूध में विनेगर डाला, ये फट गया है देखिए, प्रॉपर अलग हो गया है। तो अब इसको मैं छान लूँगी एक कपड़े में, सूती कपड़े में बिल्कुल अलग इसको कर लेंगे और इसमें 2-3 बार पानी डाल के इसकी जो खटास है वो भी निकाल लेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ के प्रॉपर जैसे बन जाता है छेना। बस बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका, घर पे पनीर बना सकते हैं आप। इसको किसी मोल्ड वगैरह में डाल के वैसे बनाएंगे तो इसकी शेप भी बन जाती है ना। और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ये सब निकाल दिया मैंने। तो इतना बन गया, तैयार हो गया था मेरा ये पनीर।
और इसके साथ में अब जो हमने काजू भिगो के रखे थे, काजू मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे, आप चाहें तो रात को भी भिगो के रख सकते हैं अगर आपको सुबह बनाना है, तो इन दोनों को एक साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे इससे हमारी जो वाइट सॉस का बेस है वो तैयार हो जाएगा। और आज ना मक्खन भी नहीं था, बाई चांस ऐसा हुआ, और इस टाइम तो शॉप भी नहीं खुली थी क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5:30-6 के करीब हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का पेस्ट डाला और इसमें डाला दूध और इनको अच्छे से मिला लिया। और ना कहीं कहीं बीच बीच में काजू के चंक्स आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। अब इसमें डाले मैंने ऑर्गेनोज जो डालते हैं हर्ब्स, और चिली फ्लेक्स डाल दिए, साथ में काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक ऐड करा, और जो पास्ता बॉईल करा था वो, हाँ मेरे पास क्रीम चीज़ पड़ी थी वो भी मैंने डाली थी, और उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो खाना का हो गया लंच रेडी, ये मैंने इसके लंच के लिए बनाए। अब मैंने उसको ना टेस्ट मतलब खाने के लिए भी दिया था नाश्ते में, तो मैंने को था कि पता नहीं कैसा, क्योंकि मैंने तो शुरू से खाया नहीं था, मुझे था पता नहीं कितना फ़र्क आएगा क्या नहीं, और उसको पता चलेगा या नहीं, तो उसको बिल्कुल पता नहीं चला, बहुत टेस्टी लगा। इवन उसने वो खा के भी गया, आके भी खाया, मतलब इतना उसको बहुत अच्छा लगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए घर पे सिंपली, क्योंकि जो हम मैदे की बनाते हैं उस वो सॉस थोड़ी सी इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ है। तो आज ना थोड़े बादल थे बाहर, और यहाँ पे इसका लंच फ्रूट ब्रेक वाटर बॉटल सब भर भर आके तैयार कर दी। और कान्हा का तो अभी ऐसे ही रहता है कि इसको खुद से रेडी करना पड़ता है, तो यहाँ पे कान्हा रेडी हो रहा था, और ये खाते खाते इसकी नींद थोड़ी सी खुली थी, मैंने पूछा कैसा है तो उसको अच्छा लगा काफ़ी। तो यहाँ मैं सब काम से फ्री हो गई थी, मैं जा रही थी ऊपर, तो मैंने यहाँ देखा अभी तो मिकी सोया हुआ था। तो आप लोग पूछते हैं कि आपकी जॉइंट फैमिली में भी किचन क्यों अलग है, सो देखिए गाइज ये है रीज़न। मिकी को खाने थे आज प्याज के पराठे, है ना, और काना को खाना था पास्ता। तो अगर मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मेरे लिए भी दोनों चीज़ें सुबह सुबह बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, अगर दीदी बनाती है तो उसके लिए भी टफ हो जाता, क्योंकि दोनों बच्चों की ना मतलब मूड और बोलते हैं ना एक साथ, मतलब हम जबरदस्ती उनको देते थे तो रोता था एक जना कोई सा भी। अब अपना अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, वो अपना बनाती है और मैं अपने मतलब बना देती हूँ जो काना की डिमांड होती है, तो दोनों ही खुश रहते हैं कि चलो ठीक है जिसका जो मन था वो खा लिया। तो किचन तो हमारी अलग नहीं है, बट बच्चों का नाश्ता हम अलग अलग ही बना देते हैं सुबह इनकी अकॉर्डिंग। नहीं तो पहले जब ये छोटे थे ना तो पहले मैं बनाती थी, फिर बीच में दीदी बनाने लगी जब तक ये दोनों का चल रहा था, बट अब नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फ्री इस टाइम तक, अभी हो रहे थे 7, तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई, कप चाय पी, अब डीवा मैडम उठ चुकी थी, बच्चे स्कूल चले गए, तो यहाँ पे इसकी रात मस्ती चल रही है, थोड़ी सी इसकी मालिश कर रही हूँ। अब इसको भी थोड़ा जल्दी उठाना शुरू कराया क्योंकि ये रात को ना लेट सोती है और दिन में भी लेट सोती है, तो ये भी थोड़ी नींद में थी, थोड़ी मस्ती के मूड में थी। तो अब तो गर्मी आ चुकी है दिल्ली में, तो यहाँ पे तो इसको अब जल्दी नहलाने में कोई आफत नहीं है। अब 8:30 के करीब इसको मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया, अभी थोड़ी बहुत देर चिकू के साथ खेलेगी, अपना टाइम स्पेंड करेगी यहाँ वहाँ, वरना ये थोड़ा लेट उठती थी, 1 घंटे लेट 9:30 के करीब ये उठती थी, तो बहुत लेट होता चला जाता था इसका रूटीन, और रात को ना फिर सबको सोने में दिक्कत करती है। अब जैसे मैं जल्दी उठती हूँ तो इसको भी जल्दी उठाना स्टार्ट कराए, जिससे ये जल्दी सो जाती, तो रात को मुझे भी जल्दी नींद मतलब आने लगती है, तो हमारा भी रूटीन थोड़ा चेंज करना है सबका। तो इस टाइम डीवा नहा धो लेती है, ठीक है, फिर इसको थोड़ा बहुत कुछ खाती है नाश्ते में हल्का फुल्का, वरना नहीं भी खाती। इसका क्या रहेगा कि उठी, बड़ी माँ के पास गई, बुआ के घर गई, यहाँ पे भी खाएगी, बड़ी माँ के पास भी कुछ खाती है जो नाश्ता बन रहा होता है, बड़े पापा के साथ नाश्ता करती है, फिर ये जाती है दादू के पास, वहाँ छोटे दादू उसके जा रहे होते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करती है, तो ये सब जगह थोड़ा थोड़ा खाएगी। इसका दोनों तीनों घरों में मतलब फिक्स रहता है कि ये वहाँ पर खाएगी, फिर लंच टाइम में इसका सेम रिपीट होता है, यहाँ पर खा के जाएगी कुछ थोड़ा बहुत, यहाँ अच्छा नहीं बना तो सेम बड़ी माँ के पास पहुँच जाती है। और तो इस मैडम को भी अब सफाई का शौक चढ़ गया है, आज उठी ना इसने देखा मैं डस्टिंग वगैरह कर रही होती हूँ, तो ये भी अपनी गाड़ी को साफ कर रही थी, यहाँ पे बस इसने गंदी कर रखी है बहुत ज़्यादा कलर वलर चला के, अब इसको ये क्लीन कर रही है, और चीकू पे भी गुस्सा कर रही थी। तो इसकी और चीकू की तो ऐसी मस्ती चल रही होती है, क्योंकि इस टाइम अब सब अपने काम में बिजी होते हैं, सुबह सुबह बुआ भी अपने कामों में लगी रहती है, दीदी भी अपने काम में नाश्ते वगैरह जीजे की तैयारी में लगी रहती है, तो यहाँ इसके गाने चल रहे थे उन पर ये डांस कर रही है। तो ये टाइम होता है मेरा डीवा के साथ खेलने का, इसको इस टाइम खेलना होता है मेरे साथ, खेल रही है चीकू के साथ खेल रही है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती के मूड में है। अभी मम्मी आ गई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं वो इतने, फिर वो इसको देखेंगी, फिर ये जाएगी बड़ी माँ के पास, तो इसका ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे चीकू बैठा है अपना वेट कर रहा है उसको कब नाश्ते के लिए टमाटर वमाटर मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू बॉयल किए हैं, अभी वो ही दूंगी इसको खाने के लिए।
तो आज है कान्हा के पापा का और मम्मी का एकादशी का फास्ट है, तो उनके लिए मैं फ्रूट काटूंगी और यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए आलू, टमाटर वाले जैसे आलू होते हैं ना, सूखे आलू, तो उसको खाएंगे ये लोग। तो अभी नवरात्रों में ये इतने बनाए थे, अब फिर से एक फास्ट आ गया तो आज बना रही हूँ फिर से इनके लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट था जो प्रसाद मिला था, ड्रैगन फ्रूट, वो भी मैंने कट कर दिया, खरबूजे कट कर दिए, सेब वगैरह, तो सारे फ्रूट्स कट कर दिए थे। और गाइस ये फ्रूट ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, मतलब इतना तो कॉस्टली रहता है, बट इसका टेस्ट एकदम टेस्टलेस है। कान्हा ने देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि मम्मा वाह मैं खाऊंगा, बट उसने खाया एक दो पीस तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे ना इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने देसी घी में डाल दिए हैं जीरा और साथ में डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च मोटी वाली ली हैं ताकि ज़्यादा तीखी ना रहे। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो छोटी छोटी ले लें, क्योंकि मेरे को इसमें साथ में काली मिर्च भी ऐड करनी होती है। व्रत का नमक और आलू डाल के इनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया, भून लिया, और ज़्यादा हलवा ना बनाएं, अगर मतलब उनको खुले खिले ही रहने दें, और साथ में हरा धनिया डाल के इनको सर्व कर दें। तो इनके लिए मैंने चाय बना दी थी साथ में। अब यहाँ पर डीवा के हो चुके हैं सेकेंड टाइम कपड़े चेंज, ये लड़की सारा दिन पानी में ना सारा दिन चेंज कराती है अपने कपड़े, मतलब इसके दिन में कम से कम 5-6 जोड़ी कपड़े चेंज कर लेती है, और आधा टाइम तो हमारे इसके कपड़े वगैरह चेंज करने में। फिर क्या है ना, कपड़े गीले कर लिए अगर चलो थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो फिर इसको इतना चिड़ा के मतलब कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, फिर बोलेगी कपड़े गीले हो गए। तो अब मैंने करी डस्टिंग वगैरह, अभी रूपाली हमारी आ नहीं रही है हेल्पर, तो सारा काम बढ़ा पड़ गया है, मतलब बढ़ गया है ज़्यादा। तो अब यहाँ पे मेरे और पापा के लिए बना है लंच, आज बनाई है मैंने आलू जो उनके लिए बॉईल करे थे वही बच रहे थे, तो मेरा कुछ और बनाने का मन नहीं था, तो मैंने आलू टमाटर की सिंपल सब्जी बना ली, रोटी बना ली, अपनी भी बना के रख दी। अब यहाँ पे मैं करूँगी बेडशीट वगैरह चेंज, डस्टिंग करूँगी सारी जो इस रूम में रह जाती है, क्योंकि इस रूम में कान्हा लेट उठता है, उसके पापा, फिर डीवा, तो प्रिया के साथ ये घूम के आ चुकी थी घर, फिर मैंने कहा नहीं अभी मत लेके आओ, तो मेरा काम पड़ा है। फिर मैंने उसको फिर से एक चक्कर के लिए भेजा बुआ बड़ी माँ के पास, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे ये इसमें गीली हो जाती, तो यहाँ पर चुकटी बजाई और मैंने फटाक से बर्तन कर दिए झटपट। और काश ऐसा हो पाता कि जितनी स्पीड से यहाँ पे मैंने वीडियो में बनाए हैं ना, इतनी स्पीड से मेरे बर्तन धुल पाते, लेकिन इन बर्तनों को आपको दिख ही रहे हैं कितने सारे बर्तन थे, ये सुबह से इकट्ठे होते, क्योंकि ना आज इतने बर्तन इसलिए हुए, सुबह पहले कान्हा के लिए पास्ता बना, फिर उसके बाद मम्मी वगैरह का व्रत का बना, फिर मेरी और पापा के लिए खाना बना, फिर बीच में डीवा का भी कुछ अलग से बनता है, वो भी कुछ ना कुछ खाती है ना, तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, और भी चाय वाय के बीच में फिर कोई आ गया पानी ये वो। गाइस किसी का कमेंट आया था, दीदी आप क्या खाते हो दिखाओ जितनी एनर्जी रहती है, तो मैं दिखाती हूँ। गाइस ये है दो सिंपल रोटी और यहाँ पे है आलू की सब्जी जो मैंने बनाई थी, ये है सिंपल छाछ और छक्की हुई मिर्च, बस ये मेरा लंच है। और इससे पहले खाया था सेब, शायद मुझे याद है मैंने सेब खाया था। इतना सारा खाना इधर आ, पास्ता कैसा था? बढ़िया। कौन से चिप्स? चिप्स तो बने हैं घर के, चल तो प्याज के पराठे ले गया था, हींग का चाम अच्छा लग रहा था, बढ़िया है। कपड़े चेंज करो। सो गाइस अभी देखिए मेरा काम खत्म हुआ था, इतनी देर में बच्चे आ गए स्कूल से, और आज मैंने अब शाम के लिए बना रही हूँ मम्मी वगैरह के लिए आलू बॉईल करके रख दूंगी, क्योंकि उनके फास्ट के लिए कुछ खाना बनेगा दोनों का। इसमें क्या है? खाना खाओ खाओ, तेरे फेवरेट बिस्किट, क्यों मारेगी थप्पड़? मैं कह रहा हूँ बनवा लो। तो ये मैडम चीकू से लड़ रही थी, चांटा मारूंगी ऐसे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे ना जो सुबह आलू बॉईल करे थे मैंने, वो थोड़े कम रह गए थे, मैंने शाम के लिए सोचा नहीं था क्या बनाऊंगी, फिर लास्ट में मैंने डिसाइड करा कि चलिए आज इनके लिए ना आलू के सिंघाड़े के अप्पे बनाते हैं। तो इतने सबने चाय पी थी, मैंने चाय बना दी थी बीच में, फिर यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, इसमें डाली मैंने मोटी वाली मिर्च और साथ में डाला थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च, नमक और जीरा, मतलब इसकी रेसिपी में क्या व्रत में मतलब जो डलता है यही सेम चीज़ें रहती हैं। इनको अच्छे से मैश कर लिया, बस ये देखिए बिल्कुल ढीले ना हो इस टाइप, क्योंकि इनकी गोल गोल से एक बॉल बन जाए, इस तरह से बना के। और आप चाहें तो इसमें मूंगफली भून के वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली मूंगफली वगैरह,
थी नहीं तो मैंने मंगाई भी नहीं, क्योंकि अभी ना फास्ट वगैरह कुछ है नहीं, अब बहुत दिन बाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है और इसका घोल बना लिया। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी साथ में आटे में भी, और इसको अच्छे से एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। बस इन बॉलों को इसमें डिप करना है और अपने पैन में थोड़ा सा घी लगा के, क्योंकि व्रत में हम सिर्फ देसी घी खाते हैं। आप पूछ रहे थे कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो घी खा लेते हैं। नॉर्मली आप मूंगफली वगैरह का भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लगाया घी और इनको डिप कर करके इसमें लगा दिया, और इसी तरह इसको अलट पलट के अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे, मतलब इनको सेक लेंगे। और जो पकौड़े के अकॉर्डिंग ये अब देखिए बहुत कम ऑयल में ये बन गए थे, है ना, और बहुत ही अच्छे बने, यमी बने, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो सिंघाड़े के आटे के थे, आप लोग इसको व्रत में ऐसे भी बना सकते हैं कुट्टू के आटे के, या फिर अगर खाते हैं तो। हमने तो छोड़ दिया कुट्टू का आटा खाना, क्योंकि नवरात्रों में ना कुछ ऐसा होता ही है कि किसी ना किसी के हेल्थ इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बताया भी था, हमारे चाची की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सबको ना हेल्थ की, मतलब एकदम तबीयत ख़राब हुई थी कुट्टू का आटे खाने से, पता नहीं कैसे। तो हमारा शक गया कि उसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आता ही रहता है, तो इसकी वजह से छोड़ दिया। सिंघाड़े का आटा भी सेम ऐसे ही लगता है। और यहाँ पर बनाया मैंने खीरे का रायता, साथ में बनाई थी चटनी। तो आपकी रेसिपी देख चुके हैं, सिंपल थी दोनों, बहुत ही सिंपल, दही नींबू व्रत का नमक वगैरह यही डाल के मैंने बना दी थी। तो अपे हमारे बन चुके हैं, ये इनको पकौड़े भी बोल सकते हैं, कि ये बिना तेल के पकौड़े थे, बहुत कम घी में बने हैं। और ये वाली रील आपने मेरी इंस्टा पे देखी होगी, ये तो मैंने कल ही डाल दी थी जब मैंने बनाई थी साथ साथ। तो इनको मैंने दिए और फिर मैंने चखने के लिए बोला। डीवा मैडम यहाँ खेल रही थी, मतलब इसकी ना गंजक में प्लेट मिली थी, उससे खेल रही थी। खाती तो ये उसमें नहीं है, खाती थी हम स्टील के बर्तन में, बट उसमें खेल रही थी। तो मैंने खेलते उसमें डाल दिया, क्या पता खा ले थोड़ा बहुत। तो इन्होंने टेस्ट करे और इनको काफ़ी अच्छे लगे, मम्मी को भी काफ़ी पसंद आए। और जितने ना पकौड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इतने नहीं खाए, नॉर्मल इनकी क्वांटिटी 5-5, 6-6 इन्होंने खाए थे, उसमें पेट भर गए थे क्योंकि साथ में रायता भी था। अब आ गई मैं छत पे वॉक करने, मैं और पिंकी दीदी यहाँ पे वॉक करेंगे अपनी शाम की। मैंने सोच लिया चाहे काम पड़ा रहे, लेट हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ, बट सुबह और शाम की अपनी एक्सरसाइज और वॉक नहीं छोड़नी है, तो ये तो मुझे कंटिन्यू करनी है। तो अब से हमारा रूटीन बन गया डेली शाम को वॉक करने का, कई दिन से बना हुआ है, तो आज मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब शाम को वॉक करने आ गए थे छत पे। क्या बना रहे हो? हैं खीर? ये तो सर काजू कतली किसको आई है? किस खुशी में? क्या मूड में? क्या कराने? क्या गुड न्यूज दे रही है? इनके इनके दोस्त की गाड़ी आई है, उन्होंने बताई है। अच्छा, कल अभी तो वॉक करके आए हम दोनों, खीर खवा दे, खाओ ना गड़बड़ के खा ले काजू। एक लेयर खाओगे या की बंटवारा है? कुछ तू ले जा, नहीं चाहिए आज भी छोटा मीठा हो जाए प्लेट दे। तो गाइज मैं गई थी छत पर वॉक करने, और होते हुए आई, मैंने कहा ना उसके कह के गई थी कि घर मत फैलाना, बहुत सफाई करी, बहुत टाइम लगा। फिर देखो बच्चे मन के सच्चे क्या कर दिया, देखो। और ये तो मेरा इंतजार कर ही रहे थे कब मैं आऊं और कब इनको करूं फिर से ये करने है। चलिए गाइज फिर से इनको करते हैं क्लीन, इनका करती हूँ खात्मा। और खाना वाना तो हो गया, खाना के पापा का, मम्मी का व्रत था तो उसी में से मैंने भी खा लिया, तो हमारा खा पी चुके हैं, मेरी वॉक भी हो गई। अब मैं बर्तन वर्तन साफ करके आज जल्दी किचन विचन समेट के सो जाऊँगी, क्योंकि कल मुझे उठना है जल्दी। और इस रूटीन को करते करते मुझे हो चुके हैं कम से कम 10 दिन। 10 दिन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं 3-4 घंटे की नींद ले रही हूँ, दिन में भी सोने का मौका नहीं मिल रहा था। आज मैं दिन में भी सोई हूँ और कोशिश करूँगी कि दिन में सो चुकी हूँ तो अब रात को भी मैं जल्दी सो जाऊँ, ताकि मैं सुबह फिर जल्दी उठ सकूँ। तो चलिए फिलहाल बर्तन साफ कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, समेट के पूरा घर भर। और चलाती हूँ यहाँ पे गाने, और आजकल ना इतने अच्छे अच्छे भजन मैं चला लेती हूँ इसमें, और काम करने का जो फिर आनंद आता है ना, मतलब बोलते हैं ना सच में आनंद आ जाता है, वैसा हो रहा है। यह तो मैं बुढ़ापे की तरफ जाने लगी हूँ, पहले मैं गाने सुनती थी बड़े अच्छे, चटक मटक धमक वमक ये वो, बट अब मन नहीं करता ये सब सुनने का, अब मन करता है आराम से ना एकदम रिलैक्सिंग पीसफुल, मतलब या तो गाने इतने अच्छे आ गए हैं भगवान के और उन्हें सुनो भजनों को, तो बहुत माइंड रिलैक्स होता है।
और बहुत पॉजिटिविटी तो आती है, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। सो मैं उनको चलाऊंगी और फिर उसके बाद अपने काम में लगूंगी। तो मैं करते करते कब मेरा टाइम कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इस बहाने भगवान का भी याद कर लेंगे, भगवान का नाम भी ले लेंगे। चलिए दोनों तीर एक निशाने से मारते हैं। और ये मेरा एक ऑनलाइन शॉपिंग मैंने खुद से करी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ घर के लिए ऐसी, जैसे मैं ऑनलाइन कुछ चेक कर रही होती हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग जाता है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो ये मेरे दो पार्सल आए रखे थे। यहाँ पे मैंने ये वैसे मंगा लिए हैं टांगने के, डेकोरेशन के लिए भी हैं। और यहाँ पर मंगाई है एक कैटल, ये बहुत अच्छी है। अब जैसे गर्मी आ रही है ना, इसमें अपना डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, इसमें चाय बना सकते हैं, इसमें आप कुछ भी चीज़ ग्रीन टी वगैरह मतलब बॉयल भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों के यूज़ में है। तो एक मेरे पास थी, एक और मैंने मंगा ली है, वो थोड़ी अलग थी और इसका हैंडल अलग है। तो यहाँ पे इसकी पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो गाइज़ ये प्रमोशन नहीं था, मैंने खुद से मंगाई तो आपके साथ रिव्यू शेयर कर दिया। अभी यूज़ करके मैं देखूँगी, अभी तो फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे तो अच्छी लगी। फिर मेरे यहाँ पे हो चुके हैं बर्तन क्लीन। सो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक था। इसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज करे, बच्चों को सुलाया, थोड़ी बहुत देर पढ़ाया काना को, फिर यहाँ पे मैंने वीडियो कर दी थी एंड, क्योंकि अब फोन बैटरी नहीं बची थी फ़ोन में, उसको लगाया चार्जिंग पे। तो आपके लिए व्लॉग करना था मुझे एडिट भी। तो चलिए गाइज़ फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना।